वैसे तो रोज हम सब सुनते हैं, लेकिन आज मैं केवल आपसे ये कहना चाहता हूं कि हालातों के कदमों पर सिकंदर नहीं गिरता, हालातों के कदमों पर सिकंदर नहीं गिरता। टूटा कोई तारा तो जमीन पर नहीं गिरता, और गिरते हैं शौक से दरिया समंदर में, लेकिन किसी दरिया में कोई समंदर नहीं गिरता। और याद रखना, अब तो इनकलाब पैदा करना पड़ेगा गांवों में, गलियों में, चौराहों पर। इसलिए सुनिए मेरी बात, क्या? अरे उठो साथियों, ये तय कर लो, संविधान को बचाना है। उठो साथियों, ये तय कर लो, संविधान को बचाना है। हिटलर शाही, हाजी ताना शाही, खत्म करो फिर समाजवाद को लाना है। ताना शाही खत्म करो, ये बात आपके समझ में आनी चाहिए। और इस देश का पढ़ा लिखा तबका, नौकरी करने वाला आदमी चौराहे पर खड़ा होकर मजदूरी के लिए, काम के लिए प्रतीक्षारत आदमी इस बात को कहना चालू कर दिया है, क्या? आरक्षण को लूट लिया बीजेपी की सरकार, यहां फर्जी चौकीदार यहां। और संविधान को खत्म करेंगे, इनका असल निशाना है। ये यही चाहते हैं, अरे संविधान को खत्म करेंगे, इनका यही निशाना है। शाही आज ताना शाही खत्म करो, फिर समाजवाद को लाना है। ताना शाही साहब, लोकपाल बिल के पक्ष में थे, दुनिया उनके पीछे खड़ी हो गई, जगह थे तो आंदोलन हो गया। आज महंगाई के खिलाफ, भ्रष्टाचार के खिलाफ, लोकपाल नहीं बना इसके खिलाफ, अब लग रहा है वो कभी जगेंगे ही नहीं, ऐसी नींद में सोए हुए हैं। और सुनिए, इस देश में समाजवादियों से अच्छी व्यवस्था इस देश के लिए और किसी भी सूबे के लिए कोई नहीं कर सकता। और जब जब जरूरत पड़ी है, मौका मिला है, समाजवादियों ने करके दिखाया है। लेकिन सुनिए, जनता पर जो टैक्स लगाए वो सरकार हटाना है। समाजवाद को लाना है, असली मुद्दे से भटकाना, जाति धर्म का बहाना है। भाजपा का एजेंडा है,
हिटलरी शाही, हाजी ताना शाही खत्म करो फिर समाजवाद को लाना है। ताना शाही खत्म करो फिर समाजवाद को खत्म करो, अरे ताना शाही खत्म करो फिर समाजवाद को लाना है। ताना शाही खत्म करो फिर समाजवाद को लाना है। ताना शाही खत्म करो। अखिलेश यादव जिंदाबाद, समाजवादी पार्टी जिंदाबाद।